इस अभय प्रशाल में दर्जनों बार और घंटों घंटों हम सब ने यहाँ कविताएं शायरी पढ़ी है, लेकिन मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, सरकारें बदली, नेता बदले, आयोजक बदले, लेकिन इंदौर ने जो जश्न आज राहत भाई का मनाया, मैंने ये जलवा नहीं देखा कभी इंदौर में। जहां हमारी बुद्धिजीवी जमात ये कहने पर आमदा है कि रोशनी की खिड़कियां कम हैं, या उनमें जाले हैं, या उनमें सरकारी ताले हैं, वहां अगर एक शहर अपने महबूब शायर के लिए 10,000 लोग अंदर और 10,000 लोग बाहर हैं, तो 4-5 साल की सरकारों की औकात नहीं है कि हमारी आपकी मोहब्बत हो। निजामत हिंदी के बेटे और महत्वपूर्ण अतिथियों में हमारी ममता मई मातृ स्वरूपा ताई यहां बैठी हैं, उनके लिए भी अनुभव है। वो 550 लोगों को घंटे घंटे पर चिल्ला के बिठाती थी कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसी मस्ती के साथ झूमेंगे और एक आदमी से नहीं कहना पड़ेगा कि शांत हो जाइए, शांत। आदरणीय जावेद अख्तर साहब, जिनके नगमों में हमारी जवानी बर्बाद की है, उनसे लेकर यह फहरिश्त बिल्कुल नए जुबैर अली ताबिश जैसे नए लड़के तक पहुंची है। इस बड़ी फहरिश्त में मेरे लिए निजामत का काम, संचालन का काम केवल नाम पुकारने जैसा है, लेकिन ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा, ये जश्न राहत इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि ये एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के, क्या पूरी दुनिया के, जो उर्दू शायरी के पहली वाली उंगली पर गिनने योग्य नाम है उनमें से एक है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें एक माँ यह कहती है अपने बेटे से, गुणी गण गणना आरंभे पतत गठन ससंभ्रमा यस्य, गुणी जनों की गणना में अगर पहली पंक्ति के बाद मेरे बेटे तेरे नाम के लिए मुझे दूसरी उंगली उठानी पड़ गई तो इससे बेहतर था कि मैं बांझ रह जाती। बात अभी अधूरी थी। राहत इंदौरी की माताजी जिन्होंने शरीर का जन्म दिया और राहत इंदौरी का शायर को जन्म देने वाला इंदौर सौभाग्यशाली है कि शायरों की फहरिश्त गिनने के लिए राहत इंदौरी का नाम पहली उंगली के बाद दूसरी उंगली पर नहीं जाता, पहली उंगली पर बैठ जाता है। ऐसे माहौल में जब बहुत जिम्मेदारी है हम सब पर, यह कवि सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक बनने जा रहा है, ये मुशायरा, ये जश्न राहत कि एक शाम दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकवि कालिदास के मालवा में इस पूरे अंचल के जवानों ने, बुजुर्गों ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने, हमारे कांग्रेस के मंत्रीगण बैठे हुए हैं, विधायक लोग बैठे हुए हैं, ये 2-3 जगह हैं जहां ये ढंग से और आराम से बैठे हुए हैं। तीन राज्यों में जीते हैं, जीने दीजिए। इन्हें चलाने दीजिए सरकार बेचारों। हालत यह कर रखी है लोगों ने कि 5 विधायक एक साथ बाथरूम चले जाए तो कमलनाथ जी बाहर कुर्सी बिछा लेते हैं। छोटा भाई बैठा है, तमाम लोग यहां बैठे हैं, इन सबके सामने ये कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये जश्न राहत मुझ जैसे एक उत्तर प्रदेश के हिंदी के विद्यार्थी को
एक शुद्ध सनातनी ब्राह्मण को यह बात कहने का साहस दे, यह बात कहने की ऊर्जा दे कि जो मैंने इस मुल्क को पिछले 30-40 साल में जाना है अपने सामाजिक जीवन में, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन आज की रात हम ये सिद्ध करके जाएंगे कि हिंदुस्तान की मिट्टी में नफरत का बीज चाहे सत्ता के पानी से कितना भी लगाया जाए, ये जरखेज मिट्टी आखिरकार उसे उगल देती है और मोहब्बत जिला रहा है। ऐसे समय में जब सुबह ही सुबह आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का एक सिलेबस उतरता है, इस देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसमें ग्रेजुएट होने के लिए मूर्ख होना पहली शर्त है, जनता से कहिए कि बाहर बहुत भीड़ है, अंदर बहुत भीड़ है। तो मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा पहली बात तो इसे भीड़ कहना बंद करिए, ये रैली नहीं जश्न राहत है, ये मोहब्बत के परवाने हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से कहिए कि वो थोड़ा सहज रहें, सतर्क रहें और इसको निर्विघ्न संपन्न करें। जब हमारे घर के ऐसे बुजुर्ग बैठे हों, ऐसे समय में जवान पीढ़ी जो आज इन स्टैंड्स में बैठी है, ये बताने के लिए काफी है कि जो इनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं तीनों लोगों के स्वामी उस परमेश्वर, उस परवरदिगार आलम को सलाम करते हुए, उसकी बारगाह में अपना सर झुकाते हुए, उस ईश्वर के प्रति मां सरस्वती के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए बिना विलंब किए पहले कवि शायर को आमंत्रित कर रहा हूं। मंच के महारथियों से अनुरोध है कि लोगों की सहन शक्ति और अपने शब्द चयन का अनुपात बनाते हुए कविता पढ़ें, क्योंकि ये मालवा है और उसमें भी इंदौर है। लाल भाई, पिछले 15 सालों से 20 सालों से लाल भाई के दोनों बेटे जो हमारे छोटे भाई हैं वो यहां बैठे हैं, शायद उन्होंने भी इतना सफर नहीं किया होगा राज भाई के साथ जितना मैंने किया। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने उनका सूटकेस उठाया है। अभी बाहर सतलज से अंदर एंट्री करने वाले पूछ रहे थे, सतलज राहत से आपके बेटे से, उससे बाहर पूछ रहे थे लोग, बता रहा था कि पास है तो उसने कहा नहीं बाप है मेरे पास। विश्वविद्यालय पढ़ाया, कवि का वैशिष्ट्य यह कहलाता है, कवि की वाणी विदग्धता यह कहलाती है। आचार्य सत्यनारायण सत्तन हिंदी कवि सम्मेलन के संचालन के महारथी उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, कवि की विशिष्टता यह है कि अगर उसके एक छंद, उसका एक अशार, 1000 अशारों में छोड़ दिया जाए तो पहचान लिया जाए कि यह किसका है। यह हुनर अगर हमारी शताब्दी में गिने चुने कुछ लोगों को हासिल हुआ तो माँ सरस्वती ने, ईश्वर ने जिन लोगों को बख्शा उनमें सबसे अव्वल नाम इंदौर के बेटे राहत इंदौरी का। अनगिनत रातें मैंने उनके सानिध्य में बिताई है और मेरा सौभाग्य कि मैंने उनसे सब अच्छी बातें सीखी। हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे अक्सर लोग पूछते हैं
कि दुबई में, शारजाह में, इंदौर के मुशायरों में अक्सर राहत भाई शेर पढ़ते हुए आपकी तरफ देखकर कहते हैं कि डॉक्टर इसमें साइलेंट है। तो ये साइलेंट क्या है? तो ये मैं किस्सा सुनाकर इस मुशायरे को, जश्न राहत को शुरू कर रहा हूँ। मंजर भाई, हम जब बाहर जाते थे प्रोग्रामों में तो राहत भाई और हम पास पास सीट जानबूझ के लेते थे। मेरा लोभ ये था कि इस 5-7 घंटे की फ्लाइट में सत्संग में 4 अच्छे शेर सुनने को मिलेंगे, और राहत भाई का लोभ यह रहता था कि ये सदाचारी आदमी है, चाय के अतिरिक्त पीता नहीं है कुछ, तो इसका बाकी इस कार्यक्रम भी हमारी तरफ ही रहेगा। तो राहत भाई ने एक शेर सुनाया मुझे, पहली बार शायद उन्होंने हम लोगों से साझा किया। मुझसे बोले कि डॉक्टर शेर सुनो के मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, ये शेर सुनाया। तो मैंने राहत भाई से कहा, राहत भाई आप कई बार ऐसे शेर पढ़ते हो जिसमें जहां शेर खत्म होता है कि यहीं पर रख दो, इसके बाद एक चीज साइलेंट में आती है कि तुम्हारी तो आसमां लाए हो तुम्हारी। तो मैंने कहा ये साइलेंट रहती है। तो जब जब उन्होंने ऐसा शेर कहा मुझे कहा डॉक्टर इसमें साइलेंट है। क्षमता, अगर महाकालेश्वर की अभयदान देने की क्षमता, और अगर इन गलियों में, इंदौर की इन मखमली गलियों में टहलते हुए जो जबान हासिल होती है उसका परिपक्व एक साथ देखना हो और उसमें थोड़ी सी इंदौर की ठलवई मिला दी जाए, तो उस शख्स का नाम राहत इंदौरी होगा। राहत भाई हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय में पैदा हुए जिस वक्त आप इस डायस से शेर पढ़ रहे थे। जितने बच्चे यहां जवान आए हैं, रघुपति साहब, फिराक गोरखपुरी साहब जो बड़े शायर थे, फिराक साहब के नाम से उन्हें जाना जाता है। मैं तो अभी गया था लखनऊ, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि फिराक साहब के गांव में कुछ अच्छा सा बनवा दीजिए। फिर मैंने उन्हें बताया भी कि पूरा नाम रघुपति साहब है, कभी इसी चक्कर में ना बनवा रहे हो। ये शेर कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम चलेगा तुमने फिराक को देखा था। मैं आप सबको बड़ी दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, मुझसे बेहतर आप समझते हैं, और शायद इस सदन की एक एक व्यक्ति की हाथ उठाकर तानिया इस बात पर मोहर लगाएंगी। नौजवान लड़कों, मेरे छोटे भाई बहनों, आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी जब उन्हें पता चलेगा तुमने राहत इंदौरी को देखा। मैं पहले कभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं उसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने उसे पहली बार देखा है, लेकिन उसके शेर मुझ तक पहुँचे हैं, हम सब तक पहुँचे हैं, और जिस हिम्मत के साथ वो शेर पढ़ रहा है, जिस तरीके से वो शेर पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी उसकी खुशबू सात समंदर पार पहुँच गई है। आप सब जानते हैं नौजवान नस्लों में, हमारी नई पीढ़ी में उसकी मकबूलियत, उसकी लोकप्रियता इस बात की गवाही है कि आने वाले कल में हिंदी और उर्दू की सम्मिलित परंपरा को एक बड़ा कवि, एक दुलारा शायर मिलने वाला है। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे खूबसूरत प्रस्तुति के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। राहत भाई को ये हम शुभकामनाओं के साथ जिस पहले कवि को प्रस्तुत करें, उसका नाम है जुबैर अली ताबिशिक। जोरदार ताली के साथ एक मतलब इस शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। वैसे तो मेरे मकान तक तू चला आता है, वैसे तो मेरे मकान तक तू चला आता है, फिर अचानक से तेरे जहन में क्या आता है? वैसे तो मेरे मकान तक तू चला आता है, फिर अचानक से तेरे जहन में क्या आता है? तेरे खत आज लतीफों की तरह लगते हैं, तेरे खत आज लतीफों की तरह लगते हैं, खूब हंसता
बहुत शुक्रिया।